महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दादा और पौत्र को बुरी तरीके से रौंद दिया। स्कूटी में फंसे मासूम को ट्रक घसीटता हुआ 2 किलोमीटर तक ले गया। स्थानीय लोगों ने ट्रक पर पत्थर फेंक कर चालक ने ट्रक रोका, तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी। इस भीषण सड़क हादसे में दादा और पौत्र दोनों की दर्दनाक मौत हुई है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर SDM CEO सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच हुई है। हादसे के बाद दोनों को खून से लथपथ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिवार में 2 लोगों की मौत हो जाने से सभी सदमे में है। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। बता दें, भीषण सड़क हादसा महोबा के कबराई रोड कानपुर सागर हाईवे का है। वहीं दादा और पौत्र की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मचा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घर से तुरंत अपने निकले थे वो श्री उदित नारायण चंसौरिया साहब, अपने पौत्र को स्कूटी पे लेके, और इधर से एक डंपर आ रही थी शहर से, उनके दादा की स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई और वो स्कूटी उसमें फंसा रहा, उस पर बच्चा बैठा रहा। लोगों ने पीछा किया लेकिन तब भी वो बहुत दूर तक घसीटते ले गया, अंत में बच्चे की भी मृत्यु हो गई। इस हृदय विदारक और दुखद घटना में दोनों बाबा पोते की मृत्यु हो गई है।